ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज 15 जुलाई के श्री वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारी मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाए। और वो एकाग्रता तब हो आ पाएगी जब हमारा कर्म योग हो रहा होगा, मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा कनेक्शन, हमारी याद परमात्मा के साथ जुड़ी हो। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। अभी एकाग्रता कैसे हो सकती है? मन और बुद्धि अगर परमात्मा से जुड़ी हो तो एकाग्रता है, अगर मन बुद्धि औरों से जुड़ी हो तो भटकन है। वैसे ही अगर कोई आपको कोई ऐसे संकल्प दे देता है जिस कारण से आपकी मन बुद्धि भटकनी शुरू होती है, इसका मतलब आप परमात्मा के साथ जुड़े नहीं हैं। आप उस इंसान के शब्दों के कारण आप भटक रहे हैं, उस इंसान के डायरेक्शन के कारण आप भटक रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए सही दिशा नहीं है। ये पता कैसे चले कि वो दिशा सही है कि नहीं है, और हमें विजय कैसे बनना है वो हम समझेंगे आज के वरदान में। परमात्मा कहते हैं, दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कि भाई हमें अच्छे कर्म करने हैं, हम दान पुण्य करना है, या हमें किसी को हेल्प करनी है, किसी को मदद करनी है, तो वही अच्छा कर्म है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप मतलब परम पिता परमात्मा, दादा मतलब एडम या ब्रह्मा, कहते हैं कि कर्म आत्मा करती है, लेकिन वो अलग नहीं है। कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। कि कर्म करने वाली तो आत्मा है, अगर आत्मा शरीर में है तो ये आंखों, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर से वो कर्म कर रही है। लेकिन क्या वो योग में है, परमात्मा के साथ में जुड़ करके कर्म कर रही है? परमात्मा के दिए हुए ज्ञान, परमात्मा के दिए हुए गुण, परमात्मा की दी हुई शक्तियों को इस्तेमाल करके कर्म कर रही है कि नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा, कर्मयोगी मतलब जो कर्म भी कर रही है आत्मा, लेकिन योग के साथ में, कनेक्शन के साथ में, याद के साथ में, कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो परमात्मा के साथ मिलकर के बिना कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन, पावर के साथ में, फोकस के साथ में कर्म कर रहा है। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, चाहे फिजिकल कर्म कर रहे हो, चाहे अलौकिक कर्म कर रहे हो, मतलब कि कोई फिजिकल कर्म कर रहे हो, आप घर बार का कर्म कर रहे हो, या आप कोई सेवा का कार्य कर रहे हो, आप सेवा का कार्य कर रहे हो, जैसे कि अभी हम बातें कर रहे हैं, तो ये सेवा का कार्य हो गया, स्थूल कर्म हो गया। मैं अगर घर बार का काम करना शुरू करूँ थोड़ा बहुत, या कोई बिजनेस, ये सारी चीज़ें, या जॉब, ये हो गया आपका लौकिक कार्य। तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन कर्म के साथ योग के, योग है माना मन और बुद्धि एकाग्र है, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड का कार्य कर रहे हो, शरीर के लिए कमाई वमाई कर रहे हो, घर बार को संभाल रहे हो, चाहे आप परमपिता परमात्मा के ज्ञान की चर्चा औरों के साथ कर रहे हो, चाहे आप किसी की सेवा कर रहे हो, चाहे किसी को आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो वो हो गया अलौकिक, इस दुनिया से थोड़ा सा हटके, आत्मा के लिए हो गया ना इसलिए। और एक हो गया शरीर के लिए काम कर रहे हो आप, लौकिक। तो परमात्मा कहते हैं, दोनों में मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। फिर बाबा कहते हैं, कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। अगर आप कर्मयोगी हैं, आप हर चीज़ के लिए परमात्मा को पूछते हैं, आप परमात्मा से ही निर्णय लेने के लिए आप उनसे सलाह लेते हैं कि बाप दादा या परमपिता परमात्मा या गॉड फादर या अल्लाह, आप जो भी कहें, इस स्वरूप में याद करें उनको, लाल प्रकाश की दुनिया में, ब्रह्मलोक में, परलोक में, आलम अरवा में, निर्वाण धाम में, या आत्मिक जगत में, या आप उसको कोई भी नाम से कहें, लेकिन परमात्मा, अल्लाह, जिहोवा, खुदा, भगवान वहाँ बैठे हुए हैं और इस स्वरूप में है, प्रकाश के स्वरूप में, लाइट, ज्योति। तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि परमपिता परमात्मा, इस समय जो मैं सोच रहा हूँ इस कार्य को पूरा करने के लिए, क्या ये सही है? क्या ये राइट मेथड है? क्या ये सच्ची में अच्छा तरीका है काम करने का? क्या मेरी सोच पवित्र है? क्या इसमें गुण है? क्या इसमें शक्ति है? कि क्या इसमें मेरापन है? क्या इसमें अहंकार है, अभिमान है? तो परमपिता परमात्मा से आपको ज्ञान के पॉइंट्स, परमात्मा से आपको गाइडेंस और शक्ति मिल सकती है। ये सीखने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, कि ये कैसे एकाग्रता है, कैसे मेरी 6th सेंस, छठी इंद्री तीखी बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, और हम हर चीज़ को समझ पाएँ, परख पाएँ। इसके साथ ओम शांति।